हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सम पे बेस्ड है, यानी प्रॉब्लम सम की मदद से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिर हमें उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। और जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें कहा गया कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी एक फील्ड है रेक्टेंगुलर शेप का, उसकी जो सबसे छोटी साइड है उससे डायगोनल 60 मीटर्स ज़्यादा है। सबसे छोटी साइड मैंने x मान ली है और उससे 60 मीटर्स ज़्यादा डायगोनल मान लिया, यानी x प्लस 60 या 60 प्लस x कुछ भी लिख सकता है। तो मैंने 60 प्लस कर दिया है x में। यहाँ पर जो तीसरी चीज़ दे रखी है इसमें रेक्टेंगल फील्ड में, वो है कि ये जो साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड से 30 ज़्यादा है। 30 ज़्यादा यानी शॉर्टेस्ट साइड x है, तो x प्लस 30 हो गया। ये जो साइड है डायगोनल, ये क्या है, शॉर्टेस्ट साइड से 60 ज़्यादा है, ये 30 ज़्यादा है और शॉर्टेस्ट साइड x है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ए बी सी डी, इसको नाम दे दिया हमने, इसमें से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल निकाल लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा निकालेंगे, ये वाला ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल निकाल लेंगे। इसमें हमारे पास डायगोनल जो आ रही है वो आ रही है 60 प्लस x। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल निकाल दिया, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर फील्ड में चारों के चारों साइड्स पर 90 डिग्री बनता है। फिर आगे क्या बनेगा, ये x प्लस 30 राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड आ गई और ये तीसरी साइड x। तो ये हमने ट्राइंगल कहाँ से निकाला, यहाँ से एज इट इज निकाल लिया। अब इस ट्राइंगल की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके वैल्यूज लेके आएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें लगाना है पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस यानी बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर और फिर करना है किसका, हाइट का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर यानी ए डी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बी डी की वैल्यू रख देंगे तो 60 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। फिर हम ए बी की वैल्यू रख देंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और फिर ए डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। 60 प्लस एक्स का स्क्वायर खोलेंगे, एक्स का स्क्वायर खोलेंगे और एक्स प्लस 30 का स्क्वायर खोलेंगे। ये जो स्क्वायर ओपन करना है हमें, यानी ब्रैकेट्स हटाएंगे तो स्क्वायर खुलेगा। ब्रैकेट्स कैसे हटेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे हम। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए की जगह हम यहाँ किसको रखेंगे, 60 को, बी की जगह रखेंगे एक्स को। जब यहाँ पर आ जाएंगे इस केस में एक्स की जगह ए हो जाएगा और 30 की जगह बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिप्लेस करते हुए चलेंगे। तो एक्स अभी क्या है, ए की जगह 60 मानना है, ए का स्क्वायर करना है यानी 60 का स्क्वायर करना है, प्लस 2ab करना है तो 2ab मतलब 60 और x और फिर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, इक्वल्स टू मैं यहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ आगे। x का स्क्वायर तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है। फिर ये x प्लस 30 का होल स्क्वायर खोलना है, तो फार्मूला ये यूज़ करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a किसको माना हुआ है, इधर x को, तो ये अलग है और ये अब सॉल्यूशन हो रहा है इसका, जो अंडरलाइन किया हुआ है वो सॉल्यूशन हो रहा है। तो इस x का स्क्वायर बनेगा, फिर 2ab, 2ab मतलब 2x और 30, क्योंकि a ये है b ये है और फिर प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट्स ओपन करना है, यानी जहाँ जहाँ ब्रैकेट्स है सारे ब्रैकेट्स हटाने हैं और जैसे सारे ब्रैकेट्स हट जाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो 60 का स्क्वायर क्या होता है, 3600, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और दो जीरोस लगा दिए, 6 2 12 होता है तो 120x लगा दिया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आगे ब्रैकेट आगे ये इक्वल्स टू के नीचे वाला कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ वन है, यहाँ भी वन है, तो वन प्लस वन क्या होता है, टू होता है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे तो 6 2 3 2 6, तो ये हो जाएगा 60x प्लस 3 3 9 और डबल जीरोज आ गए, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 हो गया। बस इसको जैसे ही आगे हम सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने का मतलब क्या करेंगे, हम एक तरफ को जीरो बनाएंगे और सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी हैं वो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, क्योंकि मैंने इक्वल्स टू के जस्ट नीचे लिखा हुआ ये। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे मैं राइट हैंड साइड में लेके आऊँगा और उधर लेफ्ट हैंड साइड में जीरो बना दूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है और यहाँ जो एक्स स्क्वायर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में जो एक्स स्क्वायर है, हम हमेशा उसको कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्स स्क्वायर है वो 1 है और राइट हैंड साइड का एक्स स्क्वायर जो है वो 2 है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा छोटे वाले एक्स स्क्वायर को बड़े वाले एक्स स्क्वायर की तरफ लेके जाएंगे, तब उसके साथ सारे एलिमेंट्स भी जाएंगे।
तब कैसे करना है इसको कि इक्वल्स टू में जीरो तो बना दिया, मतलब उस तरफ तो जीरो रहेगा। अब टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के पास में एक्स स्क्वायर लाएंगे, एक्स के पास में एक्स लाएंगे और नंबर के पास में यानी कॉन्स्टेंट नंबर के पास में कॉन्स्टेंट नंबर लाएंगे। तो ये जो प्लस का एक्स है वो यहाँ आके माइनस का एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 60। मैं अंडरलाइन करके बता देता हूं ताकि क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहां से आ रही है। तो ये जो अंडरलाइन वाली वैल्यू है वो, और ये जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से आई, फिर ये अंडरलाइन वाली वैल्यू जो है वो यहां से आ रही है, और माइनस 120 ये zigzag लाइन वाली लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, फिर प्लस 900 यहां से आ रहा है राइट हैंड साइड से, और माइनस 3600 उस तरफ से आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड से। बस अब इसको क्या करना है कि ये वाली वैल्यूज में जो जो सॉल्यूशन होता है, यानी ये दोनों सॉल्व होंगे, ये दोनों सॉल्व होंगे और ये दोनों सॉल्व होंगे। क्यों सॉल्व होंगे? क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, एक्स स्क्वायर है, ये भी लाइक टर्म्स है एक्स वाले, और ये भी लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट नंबर है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे अपन को क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू में जीरो तो आ ही चुका है। तब मैं क्या करूंगा, जीरो को ले लूंगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, और ये सारे के सारे जो भी सॉल्यूशन आएंगे उनको उस तरफ ले लूंगा, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू जीरो राइट हैंड साइड में बना देंगे, अभी लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको स्वैप कर देंगे बस। तो सबसे पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख के पहले ये वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो x माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, 60 माइनस 120 इट विल गिव माइनस 60x, एंड 9 4 जा 36 होता है, तो 9 3 जा 27 2700। मतलब मैंने क्या किया, 3600 में से 900 माइनस किया तो 2700 आया। ये तो सब्ट्रैक्शन है सिंपल सा, वो तो समझ में आ जाता है क्योंकि ये हम हमेशा से करते हैं, और यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन करते रहे, हम ये भी ध्यान रखना है कि प्लस माइनस माइनस होता है और ग्रेटर की साइन आती है, प्लस माइनस माइनस होता है ग्रेटर की साइन आती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है वो कुछ इस तरीके से बना है, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू में जीरो। बस ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है तो पता है हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते ही हमें क्या करना है, कोई भी मेथड लगाना है, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, श्रीधराचार्य मेथड लगाना है, कोई भी मेथड यूज करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास उस रेक्टेंगल की, जो रेक्टेंगुलर फील्ड हमें क्वेश्चन में दे रखी है, उसकी सारी की सारी साइड्स आ जाएगी। इस क्वेश्चन को हम करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 2700 का और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे 60 की। तो अब इस क्वेश्चन को आपको देखते ही अगर तुरंत पता चल जाता है कि 2700 आया है, वहां 60 आया है, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो सारे 3 से डिविजिबल नंबर्स आ रहे हैं। 2700 भी 3 की टेबल में आ सकता है और 60 भी आ सकता है। तो अब क्या करेंगे अपन, इस 2700 को दो ऐसे नंबर्स में बांटना है कि 60 मिले मुझे। दो ऐसे नंबर्स में बांटना है जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलना चाहिए, 60 मिलना चाहिए, और माइनस का 2700। तो अब आप क्या करेंगे, 2700 को मैं दो नंबर्स मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं, जैसे मैं कहता हूँ 9 3 जा 27 होता है, 9 3 जा 27 होता है, और अगर 9 में से 3 माइनस कर दिया जाए तो 6 भी होता है। जीरो को हम फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जीरो को हम इसके साथ यूज कर लेंगे। अब देखते हैं, मैंने कहा कि 9 3 जा 27 होता है, तो 9 × 3 27 तो आ गया, और पीछे दो जीरोस चाहिए ना, तो दो जीरोस यहां से आ जाएंगे, तो एक दो, दो जीरोस और 9 3 जा वापस करेंगे तो 27, ये बन गया नंबर। और अब ये देख लेते हैं कि 90 माइनस 30 करने पे क्या 60 आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी मदद से हम पूरा की पूरा क्वेश्चन वापस बना सकते हैं, यानी जो सॉल्यूशन है हमारा वो 90 और 30 की मदद से आ सकता है। अब आपको ये भी देखना है कि यहाँ क्या है, माइनस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो साइन आनी चाहिए वो किसकी आनी चाहिए, माइनस की आनी चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लीकेशन के टर्म में, तो एक नंबर माइनस का होना चाहिए और एक प्लस का होना चाहिए। तो मैंने 90 को माइनस का लिया है, 30 को प्लस का लिया है। ऐसा क्यों किया मैंने कि 90 माइनस का लिया, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या करवाना होगा, 90 माइनस 30 करवाना होगा, तो मेरा आंसर 60 आएगा। लेकिन 60 कैसा चाहिए मुझे, माइनस का 60 चाहिए, इसलिए मैंने ग्रेटर नंबर को माइनस लिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और ग्रेटर की साइन लगती है, तो 90 की साइन लग जाएगी। तो मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, 90 × 30 और 90 माइनस 30 ये यूज़ करने वाला हूँ। तब क्या करेंगे, 60 को दो टर्म्स में
स्प्लिट कर लेंगे, जो हमने अभी 90 और 30 फाइंड किया था उसके टर्म्स में स्प्लिट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू में जीरो आ जाएगा। तो वापस इसको अगर आप पीछे वाले स्टेप में जाए 90 माइनस 30 करें तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला स्टेप एकदम करेक्ट है। अब दोनों में से दो पेयर बनेंगे, एक तो ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, ये 90 लिखा हुआ है और x माइनस 90, ये मैंने क्या किया कि दोनों के पास कॉमन निकालने के लिए कुछ नहीं था तो x कॉमन निकाल लिया हमने। इस टॉपिक पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं पिछले वीडियो में। फिर हम क्या करेंगे, 30 इसमें और इसमें दोनों में कॉमन देखेंगे। तो ये जो 2700 वो किससे बना हुआ है, 9 3 27 यानी 90 और 30 से बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे 30 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां से x बचेगा और ये दो नंबर से बना हुआ है 9 और 3 यानी 90 और 30 से, तो जब 30 चला गया तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 90 बच जाएगा और इक्वल टू में 0। तब आपके पास चेकिंग वाला पॉइंट आ गया कि x माइनस 90 दोनों में आ रहा है तो सही है वरना गलत है। तो दोनों में x माइनस 90 आ गया, तो ये x माइनस 90 कॉमन ले लिया आपने। और दूसरा क्या लेंगे, x प्लस 30, जब ये दोनों चले जाएंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 30, तो ये आ गया x प्लस 30 इक्वल टू 0। वही कंडीशन आ गई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब दो सॉल्यूशंस तो आ रहे हैं, दो सॉल्यूशंस या तो ये 0 या फिर ये 0। हम क्या करेंगे, x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0, दोनों में से किसी एक को 0 कंसिडर करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 90 आ रही है, क्योंकि मैंने 90 को इधर शिफ्ट करवा दिया। यहाँ से आ रही है x की वैल्यू माइनस का 30, तो आ गया माइनस का 30। अब आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में वापस सोचना है कि हमने x किसको लेट किया था, हमने x लेट किया था शॉर्टेस्ट साइड को, जो सबसे छोटी वाली साइड थी उसको x लेट किया था। यहाँ कितना आ रहा है, 90 आ रहा है और यहाँ माइनस का 30। अब साइड थी इसका मतलब उसका कुछ मेजरमेंट है और मेजरमेंट तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मेजरमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये माइनस का जो 30 है वो हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है, प्लस का 90 हमारा आंसर हो गया। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में मेन पूछा क्या गया था, तो क्वेश्चन में पूछा था साइड्स फाइंड करनी है, तो साइड्स फाइंड करनी है, तो जो लॉन्गेस्ट थी, लॉन्गेस्ट क्या है, x प्लस 30 है, क्वेश्चन के अंदर है ये, तो x की वैल्यू आ गई और 30 आ गया, तो ये जाएगा 120 मीटर्स। फिर बोला डायगोनल क्या है, जो डायगोनल है वो कितनी थी, x प्लस 60 या 60 प्लस x, दोनों में से कुछ भी लिख सकता है। तो x की वैल्यू मैंने रख दी 90 और प्लस 60, तो ये हो जाएगा आपका 150 मीटर्स। और अगर पूछे शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है, तो ये होगी ना शॉर्टेस्ट साइड, क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट को तो x माना था, तो इसको आपको अरेंज करके अच्छे से लिख देना है कि शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट और डायगोनल तीनों के तीनों हमने फाइंड कर ली। तो जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 7 4.3 का। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया कि दो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा है, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी जो नंबर आया है उसको जब आप स्क्वायर करेंगे दोनों को, और जब माइनस करेंगे, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, तो जब माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 180 आएगा, ये बोला हुआ है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया कि जब आप छोटे वाले नंबर को स्क्वायर करोगे तो वो बड़े वाले नंबर से 8 गुना हो जाएगा, बड़े वाले नंबर के 8 गुना हो जाएगा। तो जब छोटे वाले को स्क्वायर करेंगे तो वो बड़े वाले नंबर के 8 गुना यानी 8y हो जाएगा। बड़ा वाला नंबर क्या है, वाई है, तो हमने यहाँ से लेट कर रखा है, स्मॉल नंबर को एक्स लेट किया और लार्जर नंबर को वाई लेट किया। जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जब छोटे वाले नंबर को स्क्वायर करेंगे तो बड़े वाले नंबर से 8 टाइम्स हो जाएगा, तो इंटू 8 हो गया। ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज इट इज। फिर क्या कहेंगे कि इस पॉइंट के आगे हमें कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करना, यानी दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 180 निकालना है। तो आप सॉल्यूशन को कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने एक वाई भी लेट किया, लेकिन वो वाई फिर हट जाएगा, यानी उस वाई को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो सॉल्यूशन का जो सबसे पहला स्टेप है उसमें आपको लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या हम उसको जो पहला स्टेप है उसमें आपको क्या करना है कि लार्जर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस करवाना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम लार्जर में से स्क्वायर माइनस करवा रहे हैं, क्योंकि हमें कहा है कि इक्वल्स टू में 180 आना है। क्या आना है, इक्वल्स टू में 180, तो जो 180 आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब हमें आंसर पॉजिटिव ही लाना होगा। तो यहाँ जो स्क्वायर्स माइनस होंगे ना उनको भी कुछ इस तरह अरेंज करना है आपको कि आंसर पॉजिटिव आए। तो बड़े वाले का स्क्वायर ज़्यादा आएगा, छोटे वाले का स्क्वायर कम आएगा ऑब्वियसली। तो जब ज़्यादा नंबर में से बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस होगा तभी पॉजिटिव नंबर आ पाएगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
180 करना है, यानी दो नंबर्स के डिफरेंस 180 आ गया, बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर इक्वल्स टू 180। अब पॉइंट पीछे एक पॉइंट बनाया था हमने, उस पर जाना है कि एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 8y के इक्वल है, यानी जब छोटे वाले को स्क्वायर करोगे आप तो वो बड़े वाले से 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 8y के इक्वल है, तो वहां से यहां पर ला के रख सकते हैं हम। तो जो हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, मैंने कहा रिप्लेस कर देंगे हम, तो ये हो गया रिप्लेस 8y और 180, बस इतना सिंपल सा है। अब आपको क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है कि एक तरफ जीरो रखो, तो ये हो गया हमारा माइनस 180 बना दिया इसको, ये जो इक्वल्स टू में प्लस का 180 था उस तरफ जाके माइनस का 180 हो गया, और ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ एक्स नहीं होके वाई लिया हुआ, वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है, यहाँ से स्क्वायर है, यहाँ सिंगल टर्म है और यहाँ कॉन्स्टेंट नंबर है, बस इतना सा फाइंड करने के बाद आपको सिंपली इसको वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, चाहे कोई भी मेथड यूज करो, फाइंड क्या करना है वाई की वैल्यू। जैसे हमारे पास लार्जर नंबर आ जाएगा यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करते ही उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखते हैं हम क्या करना है, सबसे पहले आपको यही कि ये इक्वेशन उठा के रख लेना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम सपोज यूज कर लेते हैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, यानी 8 को स्प्लिट करेंगे इसकी मदद से, तो इसकी मदद से 8 को स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर आपको 18 को कुछ इस तरीके से तोड़ना है, 180 को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि 8 की 8 आ सके। अगर आप 18 टेंजा करते हैं तो 180 आ जाता है, और 18 माइनस 10 करेंगे तो 180 ये 8 भी आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, 180 को दो हिस्सों में तोड़ दिया मैंने, तो दो हिस्सों में कौन से में तोड़ा, एक तो 18y और प्लस 10y माइनस 180, क्योंकि 18 कैसे बनता है, 180 कैसे बनता है, 18 इंटू 10 तो ये हो गया 180, और 18 माइनस 10 क्या हो गया, 8 हो गया, तो दोनों चीजें हमारे पास आ गई वापस इन दोनों नंबर से, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से तोड़ा। बाकी तो आपको साइन कंसिडर करनी है कि जो माइनस लाना है तो ग्रेटर की साइन रखनी पड़ेगी माइनस की, तो हमने वो साइन कंसिडर किया। अब क्या करेंगे, दोनों में से y कॉमन ले लिया तो y माइनस 18 बन गया, और दोनों में से 10 कॉमन ले लिया तो y माइनस 18 बन गया। यहाँ पर y था दोनों के पास कॉमन, निकाल लिया, यहाँ दोनों के पास 10 था कॉमन तो निकाल लिया, और ये y माइनस 18 बन गया, तो ये y माइनस 18 और y प्लस 10 इक्वल्स टू में 0 आ गए हमारे पास, दो पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि y माइनस 18 इक्वल्स टू 0 रखना है, या फिर y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 रखना है, दोनों में से किसी एक को 0 रखना है। तो y इज इक्वल्स टू 18, यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 10। ये हमने क्या किया, सिंपली जो माइनस का होता है उसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाके प्लस का बना देते हैं, जो प्लस का होता है उसको माइनस बना देते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन में दो पॉइंट्स आ गए, यानी वाई की वैल्यू क्या आई आपकी, 18 आई है और 10 आई है। अब आपको क्या कंसिडर करना है कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं उनमें से कौन सी रखनी है। तो लार्जर नंबर हमने किसको माना है, वाई को माना है ना, तो वाई लार्जर है, तो लार्जर माइनस के तो नंबर लार्जेस्ट नहीं हो सकते, तो नंबर लार्जेस्ट कौन से होंगे, पॉजिटिव वाले होंगे, तो हम वाई कौन सा कंसिडर करेंगे, ये वाला, ये वाला कौन सा, 18 प्लस वाला। तो लार्जेस्ट नंबर तो क्या आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। और जब आपको अगला नंबर निकालना है, यानी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो सिंपली अपन क्या करेंगे, यहीं पर पुट कर देता हूं मैं कि 18 इंटू 8 करवा देंगे हम, जब 18 8 जा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 144। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू, आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 144 आई है, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए ना, तो हम एक्स स्क्वायर से एक्स भी तो निकाल सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा है। क्या करते हैं, जब हमको एक्स स्क्वायर में से x निकालना है तो आप सिंपली क्या कर लीजिए कि ये जो स्क्वायर है इसको रूट बना दीजिए, तो 144 का रूट बन जाएगा, तो 144 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 12। तो हमारी जो x की वैल्यू आई है वो 12 आई है, और जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 18 आई है, यानी हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है, जो लार्जर नंबर है दोनों में से वो 18 है, और जो स्मॉलर नंबर है वो 12 है। ये हमने स्क्वायर रूट की मदद से किया। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसी तरीके के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में भी करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 अभी कंप्लीट नहीं हुई, कुछ क्वेश्चंस इसमें और है, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉब्लम्स हम पे बेस्ड है, इसलिए आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनने वाला है। और इसको ये जो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मैथ मैजिक के साथ। थैंक यू सो मच।